पाठ 5, पाठ का नाम है रसोई घर। मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 1 की बुक, जो कि हिंदी की है, और उसमें हमने पिछले 4 पाठ को कर लिया है, पढ़ लिया है, और ये 5वां पाठ है जिसका नाम रसोई घर है। ऊपर कुछ चित्र दिया हुआ है जिसको हम देखते हैं। ये एक किचन का दृश्य है जिसको रसोई घर बोलते हैं। इसमें एक महिला बैठ के कुछ गैस चूल्हे पे बना रही हैं, और यहाँ पे जो है एक तवा रखा हुआ है, इनके हाथ में कुछ है, और ये सब चकला, बेलन, चाकू, चिमटा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बर्तन में ये सब रखा हुआ है, मतलब सब्जी है जिसमें लौकी है, गोभी है, टमाटर है, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। एक बच्चा इसमें खाना खा रहा है बर्तन में, और यहाँ कुछ बर्तन रखे हुए हैं बेसिकली जो खाना खाए हुए हैं, जिनमें खाना खा के लोग रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक बाल्टी में पानी है। ठीक है, पाठ का नाम रसोई घर, आइए पढ़ते हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला, बेलन, चाकू, छलनी बोल रहा, कह रहा है कि आज रसोई घर की खिड़की जो मुन्ना और मुन्नी है, एक बच्चा एक बच्ची है, वो खोल रहे हैं। ठीक है, अंदर देख क्या देखते हैं, चकला, बेलन, चाकू, छलनी। ठीक है, ये चाकू छलनी है, ठीक है, और ये चकला बेलन, चाकू छलनी बोल रहा है। मैं चाकू, ये बोल रहा है चाकू, मैं चाकू सब्जी फल काटूँ, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूँ। चाकू कह रहा है कि मैं सब्जी और फलों को काटता हूँ और टुकड़ा टुकड़ा सबको बांट देता हूँ। गाजर, मूली, प्याज, टमाटर छीलो, काटो, रखो सजा कर। और ये तब छलनी कह रही है कि गाजर, मूली, प्याज, टमाटर छीलो, काटो, रखो सजा कर, छीलो और उन्हें काट कर सजा कर रखो। गोल चाँद सी हूँ मैं थाली, अब ये थाली बोल रही हैं कि गोल चाँद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। ठीक है, मैं ताली जैसे बज भी सकती हूँ। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली, मुझ में रोटी और सब्जी रख करके सभी ने झटपट खा लिया। ठीक है, कुछ और काम आगे देखते हैं। मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी काटता हूँ। ठीक है, मैं सब्जी काटता हूँ। ठीक, हम चकला बेलन, चकला और बेलन, बेलन है, हम रोटी बेलते हैं। ठीक, मैं छन्नी हूँ। ठीक है, छन्नी, छन्नी हूँ, मैं दूध ऑब्लिक चाय, दूध या चाय छानती हूँ। ठीक है, मैं थाली, मुझ में खाना। ठीक है, खाना खाओ। ठीक है, थाली में खाना खाते हैं। मैं छिलनी हूँ, मुझसे छिलका निकालो। ठीक, ओ सॉरी, काफ़ी मोटा हो गया। यहाँ क्या है, सही गलत, रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। पतीला चूल्हे के नीचे है, गलत। ठीक है, पतीला क्या होता है, चूल्हे के ऊपर होता है। चूहा अंगीठी के अंदर है, आइए देख लेते हैं चित्र में। चूहा अंगीठी के अंदर है, सही है। ठीक, ये सही है, दिस वन इज़ राइट। टोकरी में आम रखे हैं, टोकरी में आम नहीं रखे हैं, टोकरी में सब्जी रखी हुई। ठीक, ये रही टोकरी और इसमें सब्जी रखे हुए हैं। ठीक है, आम नहीं है तो इसलिए ये गलत है। अच्छा चावल बना रहे, बिन रहा है। अच्छा अच्छा चावल बिन रहा है, चावल तो कहीं दिख नहीं रहा। ठीक ठीक है, अच्छा चावल ही बिन रहा है। ठीक है, अच्छा चावल बिन रहा है, सही है। माँ खाना बना रही है, ये भी सही है। आले में लालटेन रखी है, जी देखना है, आले में लालटेन रखी है। ठीक है, मुझे पता नहीं है आला क्या होता है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये आला मतलब होता है, हमारे यहाँ ताखा बोलते हैं इसको। ठीक है, आले में लालटेन रखी है, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही। दादी किताब पढ़ रही हैं, ये भी सही है। सुहानी खिड़की से झांक रही है, अब देखते हैं सुहानी, हु इज़ सुहानी, लेट अस सी सुहानी, यहाँ तो कोई, हाँ सुहानी, ये रही सुहानी। और
क्या करिए सुहानी, खिड़की से झांक रही है, इसलिए ये भी सही है। ठीक, काम ही का, यहाँ का क्या काम हो रहा है? गोला लगाओ, सेकना, बेलना, तलना। तो यहाँ पे काम हो रहा है तलने का, इसलिए यहाँ गोला लगाएंगे। ठीक, किन से काटोगे? चाकू, सिलबट्टा, छिलनी। तो चाकू से। ठीक है, किन से काटोगे? चाकू से। पसूल से भी काट सकते हैं। ठीक है, ये दाव, ये कैंची से भी काटते हैं, लेकिन यहाँ सब्जी उब्जी काटना बेसिकली यहाँ ये काम नहीं आएगा, लेकिन कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, ये दाव है। ठीक, इससे भी कोई चीज़ काटा जा सकता है। ठीक है, किससे क्या काटोगे? किससे क्या काटोगे? ठीक है, कपड़ा किससे काटोगे? कैंची से कपड़ा। ठीक है, फिर आए क्या है? कागज़, ये भी कैंची से, तो इसलिए कागज कैंची वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है? आम, चाकू से। बैगन, चाकू से। ठीक है, तो आम और बैगन, आम और बैगन। ठीक है, एक मिनट, आम और बैगन यहाँ हो गया। फिर रस्सी, रस्सी किससे कटेगी? तो रस्सी कैंची से ही कटेगी, कैंची, ओह सॉरी, यहाँ रस्सी लिखना है। ठीक है, फिर सेव, चाकू से। और गन्ना, गन्ना भी चाकू से। ठीक, अब यहाँ नीचे चलते हैं, नीचे कुछ नहीं है। तो ये भी इस तरह से आपका चैप्टर 5 ख़त्म हो गया, पार्ट 5 ख़त्म हो गया। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।